आप प्रकृति से सीखिए, देने वाले कितने विशाल और लेने वाले कितने छोटे। बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ ऑपरेट हुए हैं, यहाँ माँ के गोद में बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम की कृपा के बिना हमें पता नहीं लगता हमें किधर जाना है। इसलिए मैं आपको सच कहता हूँ, एक सांप था, एक अजगर था। अजगर था ना, वो रास्ते में हर व्यक्ति को काट लेता था, मार देता था। वो अजगर संत कोई वहां से प्रवेश कर रहे थे तो संत को भी काटने लगा, तो संत ने उसे पुचकारा, आशीर्वाद दिया, तो वो लौटने लगा नीचे। तो संत ने कहा, भैया तू काटा मत कर, किसी को काटा मत कर। उसको ऐसी ऐसी बातें कही, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। करीब 6 महीने बाद संत फिर से उधर से लौट रहे थे, तो वो जो अजगर था ना, वो अधमरा सा पड़ा हुआ था, अधमरा सा पड़ा हुआ था। तो संत ने उसको कहा, अरे भाई तेरी ये हालत कैसे हो गई? बोले, आपके ज्ञान की वजह से मेरी ये हालत हो गई। बोले, कैसे? आपने कहा काटना मत। मैं काटता नहीं था किसी को, तो लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए, लोगों ने मेरे को पत्थर मार मार के अधमरा कर दिया। आपका ज्ञान पंडित जी बहुत अच्छा रहा, मैं अब मरने की स्थिति में हूं। संत ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था काटना मत, लेकिन मैंने फुफकारने से तो मना नहीं किया था ना। अरे तुम थोड़ा भयभीत कर देते लोगों को तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। काटना नहीं था, लेकिन फुफकारना तो जरूरी था। माँ अपने बच्चे को कैसे आंख दिखाती है? मारती भले नहीं है, आंख दिखाती है, लेकिन वो आंख दिखाना भी बच्चे को लगता है कि मुझे सही हो जाना है, सही रास्ते पे चलना है। अरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको माएँ अपने गोद में सुलाती है, माएँ खिलौने ला के देती है, माएँ अच्छी अच्छी कविताएँ सुनाती है, माएँ उनको रात को लोरी गा के सुना के सुलाती है, सुबह दूध, बहुत सारे आइसक्रीम और ये सब कुछ देती है, बहुत प्यार करती है माँ। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके माँ ही नहीं है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना माँ के जीवन जी रहे हैं, और जिनके माँ नहीं होती ना, उन बच्चों को कौन समझाए आगे खाई है, कौन समझाए आगे गड्ढा है, कौन उनको अच्छे स्कूल में दाखिल कराए, कौन आइसक्रीम ला के दे, कौन उनको खिलौने ला के दे, कौन उनकी छोटी छोटी बातों को सुने। मैं कहता हूँ वो भाग्यशाली हैं जिनके माँ हैं, लेकिन जिनके माँ नहीं हैं उनका भाग्य कम है। उन बच्चों को हमें अपनाना है।